पहले प्रभु गुण बताइएगा हमारी कन्या के, दोष बाद में बताइएगा, वो हम देख लेंगे दोषों से। अब हमको दोष से लेना देना भी क्या, अब तो वो 2 दिन बाद जा ही रही है, जिनको दोष देखना वो देखे, अब तो ससुराल जा रही है, हमको तो गुण से मतलब है, गुण बता दीजिए पहले। तो नारद जी ने कहा अच्छा, तो इन्होंने पहले कहा गुण, तो यदि मैं पहले बोल दूंगा गुण तो फिर नारद मेरा नाम तो खराब हो जाएगा, मेरी सारी इमेज बिगड़ जाएगी। तो नारद जी ने कहा अच्छा इन्हें गुण कहा है तो लाओ जरा दोष ढूंढा जाए। अब वो लगे दोष ढूंढने कन्या के हाथ में, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अब दोष तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। माताओं बंधु ध्यान दीजिएगा, पिताजी भी देख रहे हैं क्या मामला है भाई, इतनी देर तक जन्म पत्रिका देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, कुछ बता क्यों नहीं रहे, अब वो ढूंढ रहे हैं दोष। माताओं बंधुओं वो तो प्रभु की माया थी माया, और भगवान ने उसमें कोई दोष ही नहीं लिखा था। ध्यान दीजिए, हम लोग कहते हैं ना, कल भी चर्चा की थी, इस संसार में हम जितने भी लोग हैं सब में कुछ ना कुछ दोष अवश्य है। Nobody is perfect, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दोष गुण हैं। नारद जी महाराज ने कन्या का हाथ देखा और देखा कि अरे इसमें तो कहीं कोई दोष क्यों नहीं दिख रहा है, मैं तो आज तक जिससे भी टकराया कोई ना कोई दोष अवश्य दिखा है, दोष क्यों नहीं है। तो लगा कि क्या भगवान ने क्या ऐसा भी कोई बना दिया इस संसार में, ऐसी भी कोई मूर्ति आ गई इस संसार में भगवान की, इतनी बड़ी कृपा पात्र जिसमें कोई दोष ही नहीं है, मैं तो आज तक नहीं टकराया किसी से, क्या प्रभु इतनी बड़ी कृपा भी किसी पे कर सकते हैं। तो सोचा कि पता नहीं आज हाथ देख रहा हूं, कल न जाने किससे विवाह हो जाए, ये कन्या कहाँ चली जाए, लाओ ऐसी प्रभु की कृपा पात्र मूर्ति का दर्शन तो कर लूं एक बार भाई, जिसकी इतनी हम पे इतनी बड़ी कृपा नहीं कि भगवान ने कुछ ना कुछ दोष दे दिया, और ऐसी बड़ी बना दिया, इतनी बड़ी कृपा कर दी कि दोष ही नहीं। तो इस जिज्ञासा में नारद जी महाराज ने वो प्रभु की कृपा का दर्शन करने के लिए जैसे ही नारद जी महाराज ने आंखें ऊपर की कन्या का चेहरा देखने के लिए, तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, सारा वैराग धरा का धरा रह गया, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखिए गोस्वामी जी भी क्या विचित्र शब्द लिखते हैं, एक तो देखना होता है एक टक, हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेजी में शब्द है स्टेरिंग, घूरना, जैसा पुष्प वाटिका में भये बिलोचन चारू अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, आंखें एक दूसरे को देख रही, एक टक देखना घूरना। तो ये बड़ी बाहर क्या होता है भाई, ये तो आज तक हमने नहीं सुना, क्या हुआ जानते हैं। नारद जी महाराज ने कन्या की तरफ देखा, वाह क्या रूप है, तब तक मन में आया अरे नहीं अच्छी बात नहीं, मैं महात्मा हूँ ये ठीक नहीं है, खींचा हाथ की तरफ देखा, तब तक लगा अरे अब चलो लाओ जब तक सामने तब तक एक बार और देख ही लें, तब तक फिर ऊपर की ओर देखा, तब लगा नहीं नहीं वैराग है, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ ब्रह्मचारी हूँ देखना ठीक नहीं, फिर नीचे किया, तब तक लगा अब कल से तो जा ही रही विवाह करके, लाओ एक बार और देख लिया जाए, तो बगल में पिताजी हैं क्या करूं, तो कभी देख रहे हैं कभी आंखें नीचे खींच रहे हैं, फिर देख रहे हैं फिर खींच रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने। माने नारद जी महाराज बड़ा ज्योतिष देखते घूमते थे, तो वो जो लिखा था कन्या के हाथ में वो भी भूल गए, और अपना भी जितना ज्योतिष सीखे थे पूरे जीवन भर का वो भी सब भूल गए देख करके, केवल कन्या का रूप याद है उन्हें और कुछ दूसरा याद नहीं है। लक्षण तासु पिलो की भुलाने, और हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, कुछ कह नहीं रहे केवल प्रसन्न हो रहे देख रहे मुस्कुरा रहे। तो पिताजी ने कहा अरे हमें भी कुछ बता दीजिए, इतना अच्छा क्या लिखा है मुनिवर, हमें बताइए कन्या के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा है क्या। नारद जी ने कहा हाँ इसमें लिखा हुआ है कि जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, अरे से वही सकल चराचर ताही, बरईशील निधि कन्या जाहि। जो इसको बरेगा वो अमर होगा, जो इसको बरेगा उससे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा समर भूमि में, जो इसको बरेगा चर अचर उसके सब सेवक होंगे। तो नारद जी को लगा वाह देखो तो अब तो ये प्रकृति भी मुझे सबसे ऊपर बनाने पे तुल गई। भाई यदि मेरा इस कन्या से विवाह हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, नारायण और महादेव के बराबर तो मैं हो ही गया हूं, उन्होंने कहा मुझसे ऊपर भी हो गए, अरे मैं सबका मालिक हो जाऊंगा, मैं अजय हो जाऊंगा। इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे, और रूप तो क्या है कन्या का, आप देख रहे हैं। तो पिताजी ने कहा अरे कुछ तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, हाँ सब ठीक है ठीक है, सब अच्छा है अच्छा है। एक बात बताऊँ, कोई जोशी महोदय बैठा हो तो बुरा मत मानिएगा एक बात का, कई बार क्या होता है मालूम है, मामला गड़बड़ा जाता है। मामला गड़बड़ा जाता है कि हाथ दिखा रहे हैं, जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं, अब जोशी महोदय को समझ नहीं आ रहा क्या कहें, सामने वाला प्रश्न में प्रश्न तागे आ रहा है, एक साल बाद क्या होगा, बेटी का विवाह कब होगा, लड़के की नौकरी कब लगेगी, इतनी समस्या है क्या होगा। तो क्या करते वाल? अरे सब अच्छा होगा, बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है, चिंता मत करो, एक साल के अंदर सब अच्छा हो जाएगा, 2020 तक देख लेना विवाह हो। अपने मन से कुछ तो इज्जत बताए उस समय की। तो नारद जी महाराज जी अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा, भूल तो गए तो क्या करें, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ये मत समझिएगा कि ज्योतिषी मैं कोई ये बात कह रहा हूं, माताओं बंधुओं ज्योतिष गलत नहीं होता है, ज्योतिष फिजिक्स और मैथमेटिक्स की अचूक कैलकुलेशन है जो अटल सत्य है। ज्योतिषी गड़बड़ कर सकता है अपने ज्ञान में, या उसको नहीं उतना याद हो, एक से एक ज्योतिषी भी पढ़े हुए हैं संसार में, ज्योतिष कभी गलत नहीं होगा। आप ये सोचें ज्योतिष में कोई कभी नहीं हो सकता इस संसार में, वो अटल है। जोशी इधर उधर पढ़ने में कुछ कर दे तो वो कर दे, वो अलग बात है। तो बोले कि बताइए ना क्या होगा, सब ठीक होगा, बहुत अच्छा वर मिलेगा, चिंता मत करो, बड़ा सुंदर वर मिलेगा। लक्षण सब बेचारी उर राखे और कछुक बनाई भूपसन भाखे। झूठ मूठ थोड़ा इधर उधर बना के और भाग दिया, सब अच्छा होगा। अब निकले वहां से, भागे नारद जी, और नारद जी सोचते हुए जा रहे अरे क्या करूं कैसे करूँ, एक कन्या मुझे मिल जाए, काश मुझसे इसका विवाह हो जाए। करूँ जाय सोई जतन बिचारी अरे जेही प्रकार मोही बरे कुंवारी। कैसे पालूं इसको, कैसे इससे विवाह कर लूं। तो अब युक्ति लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कैसे पालूं। तो उन्होंने सोचा एक उपाय है, क्या कहा, ऐसा करता हूँ कि तपस्या करने बैठूं और तपस्या करूं और भगवान प्रकट हो। तो भगवान कहेंगे नारद जी क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अरे प्रभु अब तो केवल एक वही कन्या मिल जाए, बस मेरा और भी कुछ नहीं चाहिए जीवन। तो सोचा लेकिन बात ये है कि तपस्या में तो लग जाएंगे 400-500 साल, और उतनी देर में तो उसके पोते पोती और परपोते भी हो जाएंगे, तब काहे बात की कन्या। अरे नहीं, जब तब कछु न होई तेहि काला अरे हे विधि मिलई कवन विधि बाला। कैसे पा जाऊं, कैसे उस कन्या को पा जाऊं। ध्यान दीजिएगा ये वही नारद जी हैं जो अभी काम पर विजय प्राप्त किए हुए थे थोड़ी देर पहले। कहने का अर्थ है ज्ञानी मूढ़ ना कोई, इस संसार में किसी भी बात की गलतफहमी मत पालिएगा। सबसे बड़ा सबक है इस प्रसंग का। जो गलतफहमी पालता है ना, हमारे मध्य प्रदेश की तो कहावत है, सब बैठे हैं एमपी वाले भी है तो बड़ी सस्ती कहावत लेकिन फिर भी है महत्वपूर्ण, है कि भैया ऐसा है हाथी पालो, घोड़ा पालो, यहाँ तक कि ऊंट भी पालो, लेकिन मुगालते मत पालो। हमारे यहाँ गलतफहमी को मुगालते कहते हैं एमपी में। वैसे कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप जब यहाँ सुना तो कहते हैं हमारे यूपी में, हमारे अवध में, जब यहाँ रहते तो कहते हैं हमारे एमपी में। ये क्या है क्या सभी हमारा है। तो देखिए पहली बात तो संतों का सभी होता है, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम। तो एमपी भी, यूपी भी, राजस्थान भी, बंगाल भी, कश्मीर भी, सब हम लोगों का है संतों का, और हम संत सबके हैं माताओं बंधुओं। तो लेकिन एमपी से भी क्योंकि जुड़े हैं हम उज्जैन से, इसलिए बात आ जाती है, वहाँ पे खूब स्टडी हुई, पढ़ाई हुई। तो माताओं बंधुओं मैं ये कह रहा था कि गलतफहमी मत पालो। इस प्रकार से ही प्रभु सबक दे देंगे किसी भी बात की कभी जीवन में। बोले जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। तो क्या किया नारद जी ने? अब उपाय लगाते लगाते जहां चाह वहां राह। तो नारद जी ने उपाय बड़ा अच्छा सोचा माताओं बंधुओं, दिमाग तो लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अरे भाई किसी बिजनेसमैन के सामने उससे बड़ा बिजनेसमैन आ जाए तो वो छोटा वाला बिजनेसमैन दंड प्रणाम कर लेगा। अरे भाई संत महात्माओं के सामने उनसे बड़े महात्मा आ जाए, जैसे महामंडलेश्वर जी महाराज बैठे हैं, तो हम लोग सब दंड प्रणाम करते हैं, हम लोग के आदरणीय है हमारे अखाड़े के। अगर नेता के सामने उससे बड़ा नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, तो नेता दंड प्रणाम कर लेगा। अधिकारी के सामने उनसे बड़े अधिकारी आ जाए तो अधिकारी दंड प्रणाम कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे। छोटे और बड़े में सम्मान का भाव रहता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण रहता है। तो नारद जी ने सोचा कि इस कन्या के पास ऐसा क्या है जो ये सरेंडर हो जाए, समर्पण इसका आ जाए। तो नारद जी को लगा कि इस कन्या की सबसे बड़ी विशेषता है इसका रूप, सुंदरता। यदि मैं कहीं से इससे ज्यादा सुंदरता पा जाऊं तो ये भी दंड प्रणाम कर लेगी, ये भी सरेंडर हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी मुझ पे, ये भी विवाह के लिए हाँ कर देगी। तो एही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जेहि पिलो की रीझय कुंवरी तब मेले जयमाल। ऐसा कुछ कर लूं कि इससे ज्यादा रूप पालूं, बस काम हो जाएगा मेरा। तो सोचा किसका पाऊं, कौन सा रूप पाऊं, कौन सबसे सुंदर है, क्या करूं। फिर देखिए, फिर भगवान नारद जी का समर्पण प्रभु के प्रति। उनको लगा देखो जी, चाहे इस संसार की कितनी बड़ी बड़ी विश्व मोहनियाँ क्यों ना हो, लेकिन हमारे प्रभु के रूप के सामने बड़ी बड़ी विश्व मोहनियाँ भी दो दो गिलास, चार चार गिलास पानी भरती घूमती हैं, झाड़ू लगाती घूमती हैं। उन प्रभु का रूप यदि हमको मिल जाए तो फिर उसके बाद कोई शक ही नहीं है कि वो कन्या हमको मिल जाए। बोले हरिसन मांगो सुंदरताई, भगवान का रूप मिल जाए तो क्या कहना, भगवान का रूप पालूं। लेकिन फिर नारद जी क्या कर रहे हैं जानते हैं? नारद जी कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं, माताओं बंधुओं ऐसे हम सबके दोस्त होते हैं, सबके ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं जो नारद जी जो हरकत अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जानते हैं? हम सबके ऐसे दोस्त होते हैं जिन जो काम पढ़ने पर भी मिस्ड कॉल करते हैं, माने काम उनका है लेकिन वो मिस्ड करेंगे कॉल, आपको कॉल नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं बिगाड़ेंगे। आपने शायद अनलिमिटेड डाला रखा हो तो वो मिस्ड करेंगे एक बार, दो बार, चार बार, फिर आप कॉल करेंगे, फिर वो अपना काम बताएंगे आपको पूरा, लेकिन बैलेंस आपका बिगड़वाएंगे। तो नारद जी ने भी कहा प्रभु से सुंदरता तो मैं मांग लूं, अरे लेकिन भगवान के पास कैसे जाऊंगा मैं इतने दूर, कितनी दूर रहते हैं प्रभु, बहुत देर हो जाएगी तब तक, तो भगवान तो दूर रहते हैं। अरे प्रभु आप ही क्यों नहीं आ जाते मेरे पास, आप ही प्रकट हो जाओ ना। आप बताइए प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है? ये मिस्ड कॉल है कि नहीं? मतलब आप कॉल करिए हमको, काम तो हमारा है, हम मिस्ड कर रहे हैं। तो हो ही हई जात गहरू अति भाई, बहुत देर हो जाएगी, अरे प्रभु आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ। तो मिस्ड कॉल, मिस्ड पे मिस्ड, मिस्ड पे मिस्ड। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, तो भगवान तो यही चाहते थे कि दो चार बार और मिस्ड कॉल आए, थोड़ा और ये करे तब हम इनको करे, आने दो आनंद, काम को जीते हुए हैं। तो बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए, ध्यान दीजिएगा। नारद जी से कहा क्यों नारद जी, क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, एकदम चेहरा आपका बिल्कुल लाल लाल हो गए गाल, इतनी प्रसन्नता किस बात की लाल नारद जी हैं, बताइए। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपको क्या बताऊं, प्रभु ये 24 घंटे जो मैं घूमता रहता हूँ ना, तो लोग क्या समझते हैं कि मुझे श्राप लगा है इसलिए घूमता हूँ। अरे अब मुझे कारण समझ में आ गया कि मैं 24 घंटे क्यों फिरता रहता हूँ आवाराओं की तरह, क्यों। कहा प्रभु यदि घूमते घूमते 24 घंटे हमारे पास भी कोई फोन आ जाता कि घर कब तक वापस आएंगे, खाने में आज क्या बनाऊं, हाँ? रोटी बनाई है चल जाएगी, ऐसा कोई हमारे पास भी फोन आ जाता प्रभु, कोई हमारे लिए भी यदि करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर देता तो क्या कहने थे प्रभु। हमको लगता है इसीलिए शायद हम केवल विचरते रहते हैं, 24 घंटे घूमते रहते हैं। अरे घर आने का कोई बहाना ही नहीं है प्रभु, तो आए कैसे, रहे कैसे। तो भगवान ने कहा अच्छा नारद जी, इसका मतलब है आपने विवाह का मन बना लिया है, शायद आप विवाह करना चाहते हैं। तो नारद जी फिर कुछ खोजा जाए, कोई कन्या वन्या खोजना प्रारंभ करूं मैं आपके लिए। प्रभु कन्या भी मैं खुद ही खोज लिया हूँ। अच्छा, कन्या भी आप खुद खोज लिए, वाह नारद जी। अरे तो नारद जी क्या हमारे कुछ तो मदद, कुछ तो कहिए, क्या करूं। बोले प्रभु कन्या भी खोज लिया हूँ और 50% बात भी तय कर ली है। तो कहा अच्छा 50% बात भी तय कर ली है। कहा 50%, कहा प्रभु 50% बात तय है मेरी तरफ से, अभी 50% बात बाकी है उसकी तरफ से। दोनों की 50-50 मिल जाएंगी तब जाके 100% सौ होगा ना। माता बंधु, एक बहुत अच्छे शायर ने एक बात कही, आप लोग अगर शायरी वायरी समझते हो तो शायरी में 2 लाइनें होती हैं। तो पहली लाइन को कहते हैं मिसरा, मिसरा, और जब 2 लाइनें मिल जाती हैं तो शेर मुकम्मल हो जाता है, कहने का अर्थ। तो एक शायर कह रहा है कि एक मिसरा है जिंदगी मेरी, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, और आप चाहें तो शेर हो जाए। आप यदि कह दें और मान जाएं तो दोनों मिल जाएंगे, शेर बन जाएगा। तो नारद जी भी कह रहे हैं प्रभु हम भी उसी प्रकार अभी तक मिसरा ही हैं, आप चाह लिए अगर तो हमारा भी शेर बन जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा नारद जी, तो क्या मदद करूं मैं, बताइए मेरे से क्या सेवा हो सकती, क्या करूं मैं, क्या आपकी मदद कर सकता हूं। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दीजिए बस, आपका रूप। आप देखिए कितनी विचित्र बात कह रहे हैं नारद जी, ये कोई बात है, अपना रूप दे दीजिए। माताओं बंधुओं, नारद जी महाराज को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि ये रूप उनको चाहिए केवल शादी तक, या शादी के बाद भी वो नारायण बनके रहेंगे। अगर वो शादी के बाद भी नारायण बनके रहेंगे तो डबल रोल में माता लक्ष्मी को भी कंफ्यूजन होगा, विश्व मोहिनी भी कंफ्यूज रहेगी, राक्षस भी कंफ्यूज रहेंगे, देवता भी कंफ्यूज रहेंगे। भाई कोई लड़ने के लिए नारद जी के पास पहुंच जाएगा, कोई वरदान मांगने के लिए पहुंच जाएगा, तो ये तो मामला बहुत डबल रोल वाला हो जाएगा। और यदि नारद जी ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु हमको तो केवल आप विवाह तक के लिए रूप दे दीजिए, बस विवाह तक आप बन जाए, तो बताइए ये कन्या के साथ धोखा हुआ कि नहीं, विश्वमोहिनी के साथ। वाह साहब, विवाह तक के लिए आपको नारायण बनना है, विवाह के बाद आप फिर नारद बन जाएंगे। कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ है ऐसे नारद आजकल इस समाज में बहुत घूम रहे हैं, जो लड़की वाले हैं उनके लिए सूत रही है। माताओं बंधुओं, विवाह से पहले बताते हैं कि मेरा बेटा ये है, ये कमाता है, वो कमाता है, इतना अच्छा है, फलाना है, धमाका है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के लिए जिन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, नजर रखने की, ये है, ये कमाता है, इतना बड़ा है, और ये यहाँ पे कंपनी में काम करता है। और विवाह हो जाता है, विवाह के बाद पता पड़ता है कि नहीं वो तो वहाँ कर भी नहीं रहा, और 2-4 व्यवचार भी हैं, कुछ उसमें विकार भी हैं, कुछ बुरी आदतें भी हैं, लेकिन तब तक तो विवाह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, बड़े सोच समझ के तब विवाह होना चाहिए, वरना ये नारद जी की तरह के रूप दे दीजिए बाद में पलट दीजिएगा। नारद जी कह रहे हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, और आन भांति नहीं पावऊं ओहि, और कोई उपाय नहीं उसको पाने का आपके रूप के अलावा। अब भगवान सोच रहे हैं कि कौन सा रूप दूं इनको, नारद जी ने बड़े कंफ्यूजन में डाल दिया। भगवान सोच रहे हैं अरे भाई ऐसा कौन है जो हमारा रूप नहीं है, हम तो कणकण में विराजमान है। भाई इन 84 लाख योनियों में ऐसा कौन सा जीव है जो परमात्मा का रूप नहीं। भगवान सोच रहे हैं क्या इनने कह दिया, रूप दे दूं, कौन सा रूप दे दूं, क्या कर दूं। तब तक नारद जी महाराज बोल पड़े कि जय ही विधिनाथ होई हित मोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा। प्रभु वो रूप दीजिए जिसमें मेरा हित हो। बस भगवान का बस बस ठीक है, आपने सारा हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, हमारा बहुत आसान कर दिया आपने काम। ध्यान दीजिए, वैसे तो इतनी नारद जी महाराज ने दंड प्रणाम दंडवत किया था, इतना लोट लगाई थी कि भगवान उनको अपना रूप दे भी देते, लेकिन जो ये बात बोल गए ना, इसी में सारा सूत्र छुपा हुआ है। उनने कह दिया प्रभु जे ही विधि नाथ होई हित मोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा। तो भगवान ने कहा नारद जी आप क्या बोले कि मेरा हित जिसमें हो, माने आप आपके हित की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। तो भगवान ने कहा बस फिर आप निश्चिंत रह जाइए, आपके हित की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। नंबर एक, देखिए भगवान के प्रति भगवान की कृपा का दर्शन करिए। माताओं बंधुओं, हम और आप भगवान से नित्य हफ्तों में महीनों में कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं ना, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, प्रभु ये हो जाता तो कितना अच्छा था, प्रभु वो हो जाता तो कितना अच्छा था। माने अपने हित के लिए हम लोग प्रभु से विनती करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की सोच केवल हमारे हित तक ही जा पाती। आप बताइए, अपने इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, पुरानी बातें याद करके देखिए, तो माताओं बंधुओं कई ऐसे समय आया होगा, कई ऐसी घटनाएं होंगी कि तब आप सोच रहे होंगे अरे वो हो जाता तो कितना अच्छा था, वो हो जाता काश। लेकिन आज जब याद करते हैं आप तो सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ वो नहीं हुआ जो मैं चाह रहा था, क्योंकि उसमें मेरा हित नहीं था। भगवान ने जो किया वो तो उससे कितना अच्छा मेरे लिए कर दिया। कारण केवल हमारी नजर हित तक जा पाती है। भगवान ने कहा नारद जी आप केवल अपने हित के बारे में ही सोच पाए तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे जानते हैं? क्या करेंगे प्रभु? बोले जेहि विधि होई ही परम हित। परम सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके साथ भी लग जाए उससे ऊपर फिर कोई और डिग्री नहीं, परम से ज्यादा। तो भगवान हमारा परम सोचते हैं सदा, हम केवल सबसे पहली जो डिग्री है वो सोचते हैं हित। कह रहे हैं जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब न आन कछु मृखान बचन हमार। हम वो करेंगे जिसमें आपका परम हित हो और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे नारद जी, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करिए। कहा प्रभु क्या करेंगे आप? बोले नारद जी हम वही करेंगे जैसा एक डॉक्टर एक रोगी के साथ करता है। भाई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है, मान लीजिए कोई डायबिटिक जाए और जाकर कहे कि मुझको मिठाई खानी है, मुझको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो क्या डॉक्टर उनको पीने देगा? नहीं पीने देगा ना। अगर कोई बुखार में त्रसित, कोई ठंड में ग्रसित व्यक्ति जाए और जाके कहे कि मुझको बहुत आइसक्रीम खानी है, मुझको ठंडा पानी पीना है, नहीं। अरे कई बार डॉक्टर बुखार में ये भी कहते हैं भैया एक दो दिन मत नहाना, एक दो दिन थोड़ा सा दूर रहना। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि नहाना आपके लिए हित है, लेकिन ना नहाना परम हित है। कहीं किसी को यहाँ गर्दन पे घाव आ जाए पूरा, भगवान ना करे, तो उस समय घाव के समय कैसे नहा लेगा? वो घाव नहीं उसका खराब हो जाएगा। तो नहाना हित होगा लेकिन ना नहाना परम हित है उस समय, और ये काम केवल वैद्य कर सकता है। तो इसीलिए माताओं बंधुओं जैसे इस संसार के डॉक्टर, संसार में इसीलिए संसार के जो डॉक्टर हैं उनको दूसरा भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो भी वो देखते हैं जिसमें हमारा परम हित है, हम लोग अपने हित तक की सोच पाते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रथम वैद्य है। भगवान जो डॉक्टर है वो पहले डॉक्टर है इस संसार के, और डॉक्टर दूसरे भगवान है। सब लोग ध्यान दीजिए, डॉक्टर दूसरे भगवान है, भगवान पहले डॉक्टर है। वो हमारा इलाज ऐसे करते हैं कि हमको उस समय तो पीड़ा होती है। क्या बात? जिमिसी सूत्रन बन होई गोसाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं माताओं बंधुओं, जैसे किसी बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है ना, तो फोड़ा हो रहा है, वाह कितनी अच्छी बात आई। देखिए माता लक्ष्मी ने पूछी है बात भगवान से, नारायण से, प्रभु एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, नारद जी महाराज को इतना दुख देने के लिए आपने लीला करने की क्या आवश्यकता थी? अरे उनकी बुद्धि फेर देते, सही हो जाते, वो सद्बुद्धि दे देते, अरे समझा देते, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने कहा देखो ऐसा है देवी, नारद जी महाराज को फोड़ा हो गया था। फोड़ा, जब किसी को फोड़ा होता है ना तो फोड़े की स्टेजेस होती है। पहले थोड़ा सा निकलता है, तो जब थोड़ा सा निकलता है वो खा जान लेने जाता है दवाई, और मान लीजिए डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दवाई खा लो, और दवाई की उसने रसीद देखी और महंगी दवाई है, तो सोचता है अरे छोड़ो जी, कौन खाए इस दवाई को, ये झूठे ही हमसे खर्चा करवाने के लिए, अभी मैं ठीक कर लूंगा, इसे अपने हिसाब से कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए वो फोड़ा ना दवाई खाए और बड़ा हो जाए, तो बाद में उसका ऑपरेशन ही इलाज होता है, बाद में फिर दवाई से ठीक नहीं होगा वो, फिर तो कहेंगे भाई अब इसको चीरना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि पहले छोटा फोड़ा था उनका, महादेव के पास गए थे, महादेव ने दवाई दी, प्रिकॉशन दिया सारा, लेकिन नारद जी ने अरे छोड़ो जी, ये सब झूठे ही हमको दवाई दे रहे हैं। और जब तक हमारे पास आए तब तक फोड़ा इतना बड़ा हो गया था कि अब उसका ऑपरेशन करना आवश्यक है, अब दवाई देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अभी आगे ऑपरेशन चल रहा है, जो कर रहा हूं मैं उसमें समय लगता है। तो जिमि शिशु तन व्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। माता उस फोड़े को चिरा देती है, उसको वो कर देती है, बच्चा रोता है सामने बहुत। माता को बच्चे को रोता देख के बच्चे से कम कष्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चे के भले के लिए वही है। उसी प्रकार भक्त को दुखी देख के भगवान भी कोई बहुत प्रसन्न होते होंगे, क्या आपको लगता है? उनको भी दुख होता होगा, लेकिन भक्त के लिए वही सबसे अच्छी बात है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीरो, लेकिन व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। उसी प्रकार माता नहीं गिनती उस दुख को, क्योंकि व्याधि का नाश करना है, नाश। माताओं बंधुओं यही नारद जी के साथ हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, लेकिन वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांगता है रोगी, तो क्या वैद दे देता है? नहीं देता। तो क्या बस नहीं देता ना नारद जी? कहा नहीं देता। तो कहा नारद जी बस ठीक उसी प्रकार एहि विधिहित तुम्हारो मैं ठयो, और अस कही अंत रहित प्रभु भयो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन नारद जी महाराज को तो कोई बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज का मन तो केवल उस कन्या में लगा था ना। क्या सूत्र है? सूत्र यह है कि यदि आप यहाँ बैठे हैं, अभी भगवान उपदेश ही दिए नारद जी को, आप यहाँ बैठे हैं या कहीं पर भी हैं, तो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसी पर फोकस करिए। अगर उस समय आप बैठे कहीं हैं, फोकस कहीं और किसी पर ध्यान है, तो ना वो काम होगा ना ये काम होगा। शेर है ना कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उसी प्रकार से ये है कि वही रही उस समय। वो नारद जी महाराज अगर ध्यान से सुन लेते शायद बात समझ में आ जाती, लेकिन नारद जी वो तो माया भी बस भय मुनि मूढ़ा, तो समझ ही नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।